बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सदी का सबसे बड़ा जुमला निकला कि आज बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित भाजपा सरकार में है। भाजपा सरकार में ही देखिए ना कितने रेपिस्ट है, बलात्कारी बैठे हुए, पर पूरा सरकार खामोश है। अब देखिए ना, अगर ऐसा होता तो बृजभूषण सिंह के घर पर नहीं चलता क्या? योगी जी तो बहुत बुलडोजर दिखाते हैं सबों के लिए, लेकिन आपके अपने स्टेट के हैं बृजभूषण सिंह। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के घरों पर चलता है, विपक्ष पे चलता है, सत्ता पक्ष पे बुलडोजर नहीं चलता है। संविधान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इनके इतने तानाशाही के बाद भी। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से बिल्किस बानो केस में जो 11 आरोपी थे उनकी जो रिहाई है वो रद्द कर दी गई है, और ये जो चीज़ें तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इतने साल के बाद उनको उम्र कैद हुई और उसके बाद फिर से जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के दिन नरेंद्र मोदी जी जहां महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वहां उसी दिन इनकी जो रिहाई थी वो कर दी गई थी 11 आरोपियों की, लेकिन आज ही के दिन फिर से एक बार जो इनकी रिहाई है वो रद्द कर दी गई है। और हमारे साथ इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए मौजूद है ज़ेबा खान जी। मैम, क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते, ये किस तरीके का सब चीज़ें चल रही हैं? देखिए, खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है और फिर से उन अपराधियों को अरेस्ट करने की बात करती है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, और ऐसे समय में भी कोर्ट है अभी और कोर्ट भी फैसला ले रहा है, पॉजिटिव है देश के लिए। और उन्होंने बोला है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो इस बात का हम स्वागत करते हैं कि अपराधियों को सज़ा मिलेगी और जो बेटियों के बलात्कारी हैं ऐसे लोग खुले आम समाज में नहीं घूमेंगे, क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है और अच्छा मैसेज नहीं है। क्या आप देश की हालात देख रहे हैं कि जब इस तरह बलात्कारियों को छोड़ा जाएगा तो किस तरह बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्ची का बलात्कार किया गया, उसके जो 3 रेपिस्ट हैं वो भी भाजपा के हैं, किस तरह हमारी साक्षी मलिक जो पहलवान बहने थी वो रिज़ाइन कर दी, खेल छोड़ दी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, और किस तरह मणिपुर की महिलाओं को नग्न घुमाया गया और मणिपुर के इस घटना पर प्रधान सेवक चुप रहे और विपक्ष को के सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है, पर अभी तक बृजभूषण सिंह जो पहलवान बहनों के आरोपी हैं वो पद पर बने हुए हैं, किसानों के को जो थार गाड़ी से कुचला वो बने हुए हैं, अब तक उनके पिता अजय मिश्रा टेनी बने हुए हैं, हाथरस की बिटिया, कठुआ की बिटिया, उन्नाव की बिटिया, सब बिटिया देश की इंतजार कर रही है इंसाफ के लिए। जैसे उज्जैन वाला मामला अगर देखा जाए, उधर बुलडोजर चढ़वा दिया गया, लेकिन तमाम ऐसे मामले नज़र आते हैं, मतलब इतनी देर क्यों लगाती है सरकार? देखिए, क्योंकि इनकी जो भी इनके पॉलिसीज है ना, वो बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के घरों पर चलता है, विपक्ष पे चलता है, सत्ता पक्ष पे बुलडोजर नहीं चलता है। आप देखिए ना, अगर ऐसा होता तो बृजभूषण सिंह के घर पर नहीं चलता क्या? योगी जी तो बहुत बुलडोजर दिखाते हैं सबों के लिए, लेकिन आपके अपने स्टेट के हैं बृजभूषण सिंह, और दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियां रो रो कर, वो बेटियां जो पहलवान बेटियां जो देश के सर को, देश के नाम को रोशन किया, वो बेटियां इंसाफ मांगते मांगते आज चली गई, कुश्ती छोड़ दिया, पहलवानी छोड़ दिया, मेडल्स वापस कर दिया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों में भाजपा सरकार से ही जुड़े हुए तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, बृजभूषण केस देख लीजिए आप, BHU देख लीजिए, तमाम सब भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या भाजपा सरकार के होते हुए महिला सुरक्षित है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सदी का सबसे बड़ा जुमला निकला, और सच्चाई तो एकदम इसके विपरीत है, परे है, कि आज बेटियाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित भाजपा सरकार में है। भाजपा सरकार में ही देखिए ना कितने रेपिस्ट है, बलात्कारी बैठे हुए, पर पूरा सरकार खामोश है, पूरे देश में खामोश है। चाहे कुछ भी घटनाएं हो जाए, बेटियों के हिफाजत के लिए आवाज़ नहीं उठाती है, अपने मंत्री पे अपने लीडर्स को नहीं रोकते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मतलब, लेकिन आज का दिन अगर कहा जाए तो महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी थे वो पकड़े गए। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि कोर्ट ने फिर से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और हम खुश हैं, स्वागत करते हैं कि हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट अब भी पावर में है। ये बहुत खुशी की बात है कि लोकतंत्र अभी भी सांसें ले रहा है, संविधान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है,
इनके इतने तानाशाही के बाद भी कोर्ट फैसला ले रहा है, इस बात का हम स्वागत करते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो मोदी सरकार है वो तमाम दावे वादे करती है महिला सुरक्षा के, लेकिन वही चीज़ उन्हीं के होते हुए ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2024 की काफ़ी लगातार तैयारियां चल रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम लाल किले से एक बार फिर से झंडा फहराएंगे। तो 2024 अभी तो इलेक्शन भी नहीं आए हैं, आप कैसे इतने वादे कर सकते हैं? किसान सड़क पर है, देश का जवान सड़क पर है, महिलाएँ सड़क पर है, आज ड्राइवर सड़क पर हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, आप इतने दावे कैसे कर सकते हैं? कहीं दावे के पीछे कुछ और वजह तो नहीं है? विपक्ष बता रहे कि ईवीएम की धांधली है। बिल्कुल है, ईवीएम हटा दीजिए, आज पूरा इंडिया गठबंधन इसी इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहा है मीटिंग करने के लिए, ईवीएम पर चर्चा करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन समय नहीं दे रहा है। तो ये बात जो है दाल में काला है कुछ ऐसा लगता है। इलेक्शन कमीशन अगर सब साफ होता तो चर्चा करने में, बात करने में क्या दिक्कत है? अगर कोई, वो भी देश का सबसे बड़ा विपक्ष, लोकतंत्र जो विपक्ष पर टिका हुआ है, उसकी बात नहीं सुन रहा है, क्या वजह है? तमाम जनता आवाज़ उठा रही है ईवीएम को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कोई भी लोग सामने नहीं आ रहे ईवीएम को लेकर। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी आवाज़ उठा रही है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के हैं, डॉक्टर उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के हैं, और सब लीडर्स बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आपको लग रहा है कि 2024 में अगर आप बात कर रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो क्या बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकती है? ईवीएम इतनी तो नहीं हो सकती है। तो देखा आपने किस तरीके से सभी चीज़ों पे बात करी है, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो अभी भी महिलाओं को लेके जितने दावे वादे करती है भाजपा सरकार, लेकिन वही चीज़ नज़र नहीं आती है। बीएचयू का मामला देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवान बेटियाँ उनके खिलाफ तमाम सड़कों पर बैठी रही, लेकिन तमाम चीज़ें ये नज़र आती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।